तो हम लोग का खाना स्टार्ट हो गया। खाना हमने ले लिया है, यहाँ पे भीड़ है तो थोड़ी धीरे बात कर रहे हैं। और अभी हमने सिर्फ स्टार्टर्स लिए हैं। लाइट अच्छी नहीं है यहाँ पे, इधर आ जा। केरला होगा ये, जम्मू कश्मीर है। अच्छा ये हाउस बोट है। कब तक खुला रहता है ये? 11:30 बजे तक जाता है। दिन में भी रहता होगा? नहीं, रात में ही रहता है, शाम में। शाम को 5 बजे से और 11:30 बजे। तो हम लोग का खाना स्टार्ट हो गया। खाना हमने ले लिया है, यहाँ पे भीड़ है तो थोड़ी धीरे बात कर रहे हैं। और अभी हमने सिर्फ स्टार्टर्स लिए हैं जिनमें वेज और नॉन वेज आइटम दोनों हैं। तो अभी स्टार्टर्स लिए, फिर बाद में मेन कोर्स लेते हैं। बट प्राइसेस आप लोगों को बता देते हैं, बाद में बताएंगे ना, पहले खा लेते हैं। प्राइस बाहर निकलेंगे, ठीक है? प्राइसेस बाद में, खाने के टाइम पे पैसे ही बाहर निकलेंगे। Thank you.
गाइस हम लोग का खाना हो चुका है एंड खाना बहुत ही ज्यादा लजीज था यहाँ का। आप लोग आओ ट्राई करो, बहुत सारी वैरायटीज हैं। वेज और नॉन वेज में बहुत ज्यादा वैरायटीज है, तो आके ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे पैसा सिर्फ खाने का नहीं लगता है, यहाँ पे आप जो अंदर घूमोगे ना आराम से 1-1.5 घंटा आप घूम के जगह देख सकते हो। ऐसी ऐसी जगह हैं जो कि आज बारिश की वजह से पूरी तरीके से फंक्शनल नहीं थी। तो जैसे आपके पहले भी बता चुके हैं, ये पूरा एक विलेज बनाया हुआ है, तो आपको विलेज का ही फील आएगा। जैसे as soon as we entered, हमें वो सैंड वाली जो जमीन दिखी। तो बहुत सारे जगह पे ऐसे चौखट ऐसे गुम्बे बने होंगे, वहाँ पे बीच में लोग बैठते हैं, वो अपनी बातें कर रहे हैं। जैसे अगर कोई नाव चालक है वो वैसा बात कर रहा है, कोई अगर मालिश करने वाला है वो वहाँ पे वैसे ही खड़ा है, आप लोगों को पूछता है। वहाँ पे 20 रुपीज चार्जेस ऐसे कुछ है, बट अभी तो हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। और हमने जहाँ पे डिनर किया दैट्स लाइक नॉट देयर प्राइमरी प्लेस फॉर डिनर। प्राइमरी प्लेस इज दिस, बट ये बारिश हुई तेज इसके वजह से इसको चौपाल बोलते हैं और यहाँ पे ये अरेंज होता है। हाँ। तो ये और भी ज्यादा शानदार होता होगा, लेकिन अंदर जो हमने आपको शॉर्ट में दिखाया है वो भी आई थिंक अच्छा था। इट वॉज नाइस रॉयल। और तो फीलिंग आ रही थी। वैसे बता दूं, वेज वाला जो सिर्फ रहता है वो है 1000 रुपीज का, एंड नॉन वेज अगर आप लेते हो वो 1400 प्लस वैट या जीएसटी, 18% जीएसटी लगता है। तो 1400 पर पर्सन है प्लस 18% जीएसटी। सो यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। उसी के थ्रू उसी प्राइस पे आप पूरा विलेज घूम सकते हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो अगर मैं आपको बताऊं बुफे में क्या था, राइस था, नूडल्स था, बिरयानी नहीं क्या क्या था, अब तुम बताओ। नॉनवेज पुलाव था, चिकन था, चिकन तीन टाइप के थे, एक तो तंदूरी नॉर्मल हो गया एंड एक चिली था शायद से, एंड देन उसके बाद लाल मांस था, मटन था, स्वीट डिश, डेजर्ट्स अच्छे थे। पहले तो 3-4 तरीके के डेजर्ट्स थे। हाँ। फिर आपको राइस था, नूडल्स था, सैलेड सब कुछ मिलेगा, था वेज मंचूरियन था, एंड देन सैलेड में सारे आइटम्स थे, एक सूप था, फिर पास्ता का लाइव काउंटर था, राजस्थानी कड़ी थी, सरसों का साग था, दाल बाटी चोखा, बहुत सारी मतलब काफी डिशेस थे। सो आई वुड से इट्स वर्थ इट, हमें तो पसंद आया। सो अगर आप राजस्थान आ रहे हो, इंश्योर करो दैट यू आर विजिटिंग जयपुर में हो तो चौकीदानी आ जाओ। एंड इधर ये रिसॉर्ट भी है, तो इनके रूम से बहुत अच्छे हैं, हमने देखे विजुअली, बट अभी जाके रिकॉर्ड नहीं कर सकते, बट बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं। तो यहीं पे वीडियो एंड करते हैं। हमारा ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस यहाँ पे अच्छा था, एंड वी विल रेकमेंड दिस प्लेस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। चैनल के साथ बने रहना है तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच, बी सेफ बी हेल्दी, सी यू नेक्स्ट व्लॉग, बाय फॉर नाउ।